और अब बात उस शख्स की करेंगे जिसका सफर आज बॉलीवुड, संन्यास और सियासत के बाद थम गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिनेता और सांसद विनोद खन्ना की, जिनका आज निधन हो गया। 70 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के अस्पताल में आखिरी सांसें ली। विनोद खन्ना काफी वक्त से बीमार चल रहे थे। 31 मार्च से ही वो अस्पताल में भर्ती थे। आज सुबह 11:20 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। अस्पताल ने एक बयान जारी किया जिसमें ये बताया गया कि 70 साल के विनोद खन्ना ब्लैडर कैंसर से पीड़ित थे। इस वक्त मयूरेश हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयूरेश, ये बताइए कि कब तक अंतिम संस्कार होगा विनोद खन्ना का? जी, फिलहाल जो है उन विनोद खन्ना की डेड बॉडी जो है वो इसी अस्पताल में, मुंबई के एच एन रिलायंस अस्पताल जो है वहाँ पे है। कहा यह जा रहा है कि अगले 1 से 1.5 घंटे में जो है फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के बाद यहाँ से उनका जो पार्थिव शरीर है वो लिया जाएगा उनके मलवार हिल घर पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस बंदोबस्त भी है, यहाँ पे रिलायंस की खुद की सिक्योरिटी भी है हॉस्पिटल की, और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में जो है यहाँ से पार्थिव शरीर यहाँ से उनके घर मलबार हिल लेके जाएगा। वहाँ पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनको अपना लास्ट ट्रिब्यूट, एक लास्ट रिस्पेक्ट देने के लिए आएंगी। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 5 से 5:30 के दरमियान जो है वो उनका अंतिम संस्कार वहीं पे बाणगंगा पे किया जाएगा, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि उनके जो परिवारजन है वो अभी भी सदमे में है, अभी भी दुख में है। जैसे ही इसकी पुष्टि हो जाती है हम अपने दर्शकों को वापस से एक बार बता देंगे कि कितने बजे अंतिम संस्कार होगा। लेकिन पुलिस की तरफ से ये जो जानकारी आई है वो ये है कि फिलहाल अस्पताल में जो है वो कोई भी VIP मोमेंट नहीं रखा गया है। जितने भी VIPs या जितने भी बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस आएंगे इंडस्ट्री के वो डायरेक्टली उनके घर मलबार हिल जाएंगे। मयूरेश, अस्पताल अब तक कौन कौन लोग पहुंचे हैं वहां पर अंतिम दर्शन के लिए? जी, फिलहाल तो उनकी फैमिली यहीं पे अस्पताल में है। जैसे मैंने कहा कि पुलिस सूत्रों ने जो बताया है वो ये है कि अस्पताल में कोई भी VIP मोमेंट अभी तक रखा नहीं गया है, क्योंकि ये अस्पताल जो है वो भाई बहुत भीड़भाड़ वाले इलाके में है, गिरगांव जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके हैं जहाँ पर गलियाँ छोटी हैं, रास्ते छोटे हैं, तो उनको ट्रैफिक मैनेज करने के लिए भी तकलीफ हो सकती है। इसलिए पूरी VIP मोमेंट जो है वो उनके घर पर रखी गई है। यहाँ से जब उनका पार्थिव शरीर लेके जाया जाएगा तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में अभी से, तो उसके बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री, पूरी पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी जो है, महाराष्ट्र के कांग्रेस है, BJP के आला नेता है, वो सब भी जो है वो उनके घर पे ही वहाँ पे जाएंगे। अस्पताल में फिलहाल उनके फैमिली की और क्लोज फ्रेंड जिनको हम कहते हैं उनके अलावा कोई नहीं है।